हाँ दुबे जी छोटा वाला भाई था, दूसरे को बचाने के चक्कर में कुछ चला गया। दो आदमी डूबे थे जिसमें से एक को बचा लिया था और दूसरे को बचाने के चक्कर में खुद डूब गए चला गया। उनको बचाने के चक्कर में हमारा छोटा वाला भाई भी चला गया। रेहान था कभी टुरे में रहते जी। ये क्या कहते, तीन जने डूबे और बाकी एक जो बचे थे वो तो अपने घर भी चले गए जी। ये है अपनी क्या कहते 2:30 बजे की घटना। 1 बजे तो हम लोग यहाँ आए थे। अब जाके रेस्क्यू टीम चालू किया जी। 2 घंटे हो गए डूबे हुए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। कितनी उम्र थी और कहाँ के रहे? 32 साल उम्र थी भाई की, 15 साल थी छोटे वाले की। कौन सी जगह? कबीरपुरा। कौन सी जगह है जहाँ पर ये हादसा? हलाली डैम। और जो डूबा वो बचाने का आया था, हमारा भेंदो ही और उसका बच्चा। क्या घटना घटी थी? कितने लोग मारे गए? क्या कितने बजे का मामला? अभी तो पता नहीं चला। 2:30 घंटे हो गए, मान लो 1:30 के समथिंग का मामला है। 1:30 बजे का? हाँ, जब इतना घेरा है तो उस पर प्रशासन को लगाना चाहिए, कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बता रहे 21-22 फीट घेरा है। कर क्या रही है? एसपी साहब कर क्या रहे? कितने लोगों की सूचना है? अब आप एसपी साहब गोली मार दे। 3-4 लोग हैं, जिसको बचाने गए थे वो तो निकल गया। वो तो निकल गया, जो बचाने गए वो नहीं निकल। उनको किसने बचाया जो डूब गए थे? वो निकल ही आया खुद, उनको खुद ही लगा। कहाँ से आए हैं ये लोग? हमारा भी हिंदू हमारे हम ये शाहजहानाबाद के हैं। नूर मोहम्मद है, मौलाना डेंटर हूँ, मार्केट में काम करता था। मेरा गैरेज है उसका, भूरा का जो डूबा वो कौन है? हाँ भूरा है, गैरेज है उसका, मेरा मित्र है, वो दोस्त है मेरा। कहाँ आए थे, किस लिए आए थे और क्या हुआ? वो पिकनिक पे आए थे। तो अगर ये 30 फीट अगर घेरा है तो प्रशासन को उसको बंद कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए। ये गलती किसकी है? कितने बजे डूबे थे साहब? मेरे तो खबर लगी अभी आया हूँ। प्रशासन मौके पर? प्रशासन तो लापरवाही कर रहा है। प्रशासन की कोई अहमियत नहीं है। अगर प्रशासन चाहे तो मुझे गोली मार दे, मुझे मैं नहीं डरता मरने से। क्या घटना घटित हुई है? कितने क्या? अरे साहब, कुछ 2 बच्चे गए थे, उनको बचाने गया था वो, और पुलिस वालों से जब से ही जो लेडीज हैं पूरी कर रही थी साहब बचा लो बचा, लेकिन किसी पुलिस वाले ने नहीं सुनी। पुलिस जहाँ पे थी मौके पे थी, पुलिस आई मौके, उसके बाद भी 4 घंटे हो गए अभी तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।